ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके थाई के अगले हिस्से में और साइड में, यदि मैं बोलूं एंटीरियर लेटरल मतलब सामने और थोड़ा सा साइड वाले एरिए में जलन मच रही है, पेन हो रहा है, सुन्नपन हो रही है, या सेंसेशन पता नहीं चल रहा है, या दोस्तों कुछ लोगों में यहाँ का हेयर लॉस हो जाता है, स्किन पे के ऊपर जो लोकल थाई के एरिया में हेयर लॉस हो जा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि मैरेल्जिया पैरास्थेटिका जो प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे यहाँ एक क्यूटेनियस नर्व है, लेटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व के कंप्रेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों बात करते हैं कि मैरेल्जिया पैरास्थेटिका होता क्या है। तो दोस्तों मैरेल्जिया पैरास्थेटिका में एक्चुअली जो हमारा L2 और L3 से नर्व रूट निकलती है, वो आगे आकर के इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल फ्यूमोरल क्यूटेनियस नर्व, जो कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्पाइन है, इस स्पाइन में ये हमारा जो पेल्विक एरिया है, इस पेल्विक एरिया में इसको हम लोग ASIS बोलते हैं। ASIS से एक इंग्विनल लिगामेंट है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो हमारी नर्व L2 L3 से निकल के जो लेटरल फिमोरल क्यूटेनियस नर्व है, वो इस ASIS से लगभग 2 सेंटीमीटर दूर इस इंग्विनल लिगामेंट के नीचे से पास आउट करके पैरों के तरफ आती है और थाई के आगे वाले हिस्से में और जो साइड वाला हिस्सा है इसको सप्लाई करती है। और दोस्तों ये क्यूटेनियस नर्व है, यानी कि यह सेंसरी नर्व है। सेंसरी का मतलब आपको बता दूं कि जो केवल सेंसेशन को कंट्रोल करती है, इस नर्व से मोटर कंट्रोल नहीं होता है। मोटर कंट्रोल इन द सेंस कि इससे एक्शन नहीं होता है। तो एक्शन में का मतलब होता है कि पैर को चलाना, मूवमेंट करना, इसको हम लोग मोटर बोलते हैं, और केवल सेंसेशन ले जाने वाले को सेंसरी बोलते हैं। तो चूंकि ये सेंसरी नर्व है, इस वजह से इसकी वजह से हमारा मोटर डिसफंक्शन नहीं होता है, लेकिन सेंसेशन में बहुत इंपेयर्ड हो जाता है। दोस्तों इसके यदि सिम्टम की मैं बात करूं तो इस एरिया में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब थोड़ा भी छूने पे झनझनाहट बढ़ जाती है, या कुछ लोगों में सुन्न हो जाता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग सेंसेशन आता है, कुछ लोगों में पेन होता है, किसी में बर्निंग सेंसेशन होती है, किसी में गर्म पानी से जलने जैसा सेंसेशन होता है, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सेंसरी के प्रॉब्लम होने की वजह से, रगड़ ज्यादा होने की वजह से इस एरिया का हेयर लॉस हो जाता है, और इससे पेशेंट बहुत ही पैनिक हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किन लोगों में होता है। तो ये ज्यादातर कॉमनली डायबिटिक पेशेंट में देखा गया है, कुछ ऐसे लोगों में देखा गया है जिनका वजन बहुत ज्यादा है। बिकॉज देखिए दोस्तों, यदि ये एब्डोमेन की मसल वीक हो गई तो, या एब्डोमेन का वजन ज्यादा हो गया तो, इसका लोड कहाँ आता है, ये जो हमारा इंग्विनल लिगामेंट है इसके ऊपर प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो इसी के नीचे से वो नर्व पास हो रही होती है, तो नर्व पे कंप्रेशन आ जाता है। दोस्तों कभी कभी पेट के एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में आपका ट्यूमर हो या कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद भी इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, या फिर कुछ ऐसे आर्थोपेडिक सर्जिकल होते हैं जिसके बाद भी ये होने के चांसेस हैं। बट ज्यादातर जो कारण की बात करूं मैं, टाइट जींस पहनना हो गया दोस्तों, बिकॉज जींस का जो बेल्ट होता है ना, ये पेल्विक के इस एरिया में होता है, तो बेल्ट टाइट बांधने से भी इस नर्व पे इंट्रैप हो सकता है, टाइट जींस पहनने से इस नर्व पे इंट्रैप हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसा प्रोफेशन है जैसे कि पुलिस मैन है, वो अपना जो गन का बेल्ट बांधते हैं उसके वजह से भी कंप्रेशन हो जाता है, या फिर दोस्तों प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है ये, बिकॉज एब्डोमिनल एरिया पे बहुत ज्यादा लोड आता है, या कभी कभी जो हम लोग कार में बैठते हैं तो कार का जो सीट बेल्ट है वो भी इसी एरिया से जाकर के क्रॉस होता है दोस्तों, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो किसी भी वजह से यदि मैकेनिकली या एब्डोमेन में ट्यूमर वगैरह की प्रॉब्लम हो, या कभी कभी LS कारसेट होता है, जो कमर में बेल्ट बांधते हैं ना, वो यदि बांधते हैं और उसकी वजह से भी दबाव आता है तो सुन्नपन आने लगती है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या इसका साइन एंड सिम्टम है। तो दोस्तों साइन एंड सिम्टम बहुत सिंपल सा है, ज्यादा देर खड़ा होने पर पेन होना, बिकॉज देखिए ना, जब ये छोटा हो जाता है एरिया तो यहां कंप्रेशन कम हो जाता है, जैसे ये पीछे के तरफ जाता है एरिया और ये स्ट्रेचिंग होती है और एरिया बड़ा होता है, ऐसे कंडीशंस में हमारा
पेन इंक्रीज करने लगता है, बर्निंग इंक्रीज करने लगती है, ज्यादा देर खड़ा होने पे इंक्रीज करने लगता है। दोस्तों अब हम लोग बताते हैं कि कैसे एग्जामिन करें, तो कुछ तो हमारा सिम्टम रिलेटेड है दोस्तों, जैसे कि ज्यादा देर खड़ा होना, ज्यादा देर चलने के बाद इसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा कभी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और जैसे नीचे उतरते हैं, पैर नीचे उतार के खड़ा होते हैं, ये सेंसेशन बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ यदि एग्जामिनेशन हम फिजियोथेरेपिस्ट कैसे एग्जामिन करते हैं यदि मैं बताऊं, तो दोस्तों कुछ फिजिकल टेस्ट होता है जिसको कि कंप्रेशन, पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट बोलते हैं, कि जब हम ऐसे रख के इसको टाइट प्रेस करते हैं साइड से, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो इंग्विनल लिगामेंट है ये लूज हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बेस्ट होता है वो हम लोग का पल्पेशन टेक्निक होती है, कि जिसमें कि हम अपने हाथ से इसको ASIS को पल्पेट करते हैं, कि ये हमारा ASIS है, इसको पल्पेट करके इस एरिया पे आते हैं और जैसे प्रेस करते हैं पेन इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा यदि मैं बात करूं टेस्टिंग की, तो एक नर्व कंडक्शन स्टडी होती है जिसके थ्रू हम नर्व की कहां पे इंट्रैप हो रहा है ये पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो नर्व है ये L2 L3 से निकलती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्क बल्ज की वजह से ये नर्व इंट्रैप होती है, तो हमें ये चेकआउट करना होता है कि ये कहीं स्पाइन से तो नहीं आ रही है, तो इसलिए हम स्पाइन का MRI कराते हैं या फिर पेल्विक एरिया का एक्सरे कराते हैं, जिससे कि बोनी ट्यूमर वगैरह तो नहीं है ये पता चल पाए। इसके अलावा दोस्तों कई बार अल्ट्रासोनोग्राफी आपके फिजिशियन कराते हैं या फिर एब्डोमिन की सीटी स्कैन होती है, जिससे कि पता चले कि एब्डोमिनल एरिया में कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, जिसके वजह से कंप्रेशन की वजह से ये नर्व कंप्रेस कर रही हो। नहीं तो अनदर वे दोस्तों इजीली ये फिजियोथेरेपिस्ट आराम से अपने हाथों से हम लोग पल्पेट करके बता देते हैं कि ये मैरेलजिया पैरास्थेटिका की प्रॉब्लम है। अब बात आती है दोस्तों कि पता चल गया तो ट्रीटमेंट क्या है। फिजियोथेरेपी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, स्ट्रेचिंग है, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत ही बेहतरीन रोल है, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, अपने एब्डोमेन के मसल्स को हम लोग मजबूत करते हैं जिससे कि एब्डोमेन का लोड इस पे ना आए, स्ट्रेचिंग करके इस एरिया के जो प्रेशर है इसको हम लोग रिलीज करते हैं। इसके अलावा कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक है, फेसिया रिलीज टेक्निक है, जिससे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरी चीज दोस्तों इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हो गई, जो हमारे फिजिशियन देते हैं या हमारे आर्थोपेडिक सर्जन हो गए या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो बहुत ही रेयर केसेस में हमें स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे फिजिशियन देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और बहुत सीवियर हो गई है, ऐसे कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली डेडिकेटेड बनाऊंगा कि फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज के थ्रू कैसे आप घर पे इस प्रॉब्लम को खुद से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि बचाव करना है तो बहुत ज्यादा इस एरिया में प्रेशर नहीं देना है और वेट लॉस करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।